हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे कि रेविट आर्किटेक्चर में बम्प मैप क्या होता है, मटेरियल के अंदर जो बम्प मैप लगाया जाता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में बम्प मैप है क्या। तो उसके लिए मैं मैनेज पे जाता हूँ, एक मटीरियल क्रिएट करता हूँ, एक न्यू मटीरियल क्रिएट न्यू मटीरियल करता हूँ और राइट क्लिक करके रीनेम और फर्स्ट मटीरियल इस पर डालता हूँ। यूज रेंडर अपीयरेंस किया ग्राफिक के लिए, अपीयरेंस पे जाके मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करता हूँ एक, और मेरे पास यहाँ पे तीन इमेज है। मैं इस वाली इमेज को सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ, ये मेरी इमेज यहाँ पे आ गई है। और अगर मैं अब करता हूँ ओके, मॉडिफाई, पेंट, पेंट करने के बाद इस वाले को मैं इस पे पेंट कर देता हूँ। अब आप इस इमेज पे देखोगे कि आपकी ब्रिक्स यहाँ पे टेक्सचर लग चुका है। इस टेक्सचर को मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो दोबारा से मटेरियल पे जाता हूँ और अपीयरेंस पे जाके यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके मैं इसके साइज को 1 फिट से मैं 5 फिट कर देता हूँ, 5 फिट बाई 5 फिट या 6 फिट, डन, ओके। अब ये साइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब आप जब आपने मटेरियल को यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, जो आपका मटेरियल है वो एक फ्लैट मटेरियल है। अगर आप अपने टेक्सचर को फ्लैट नहीं देखना चाहते, अगर आप चाहते हो कि मेरे को टेक्सचर फ्लैट नहीं, थोड़ा 3D में नजर आए, तो उस प्रोसेस को करने के लिए जो हम करते हैं उसे हम बम्प कहते हैं, जो हम बम्प के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये मटेरियल है, इस मटेरियल को हम लेके जाएंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप में क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें इस मटेरियल को करना पड़ेगा ब्लैक एंड वाइट। क्यों करना पड़ेगा, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मटेरियल यहाँ पे आया, सबसे पहले तो मैं इस पे एक ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, ये ठीक है, क्लोज करता हूँ और इसी पे मैं लगा देता हूँ एक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ से करता हूँ कम, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को ये देखो, और ब्राइटनेस को मैं इंक्रीज करता हूँ। एक्चुअल में हमें सिर्फ दो शेड चाहिए, व्हाइट एंड ब्लैक। होगा क्या, जो व्हाइट शेड होगी वो तो ऊपर उभरा हुआ नजर आएगा और जो ब्लैक शेड होगी वो अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, जिससे हमारा एक मटेरियल 3D में हमें नजर आएगा। क्लियर है। अब ब्लैक ऑन व्हाइट की शेड हमने ली, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ इसको। मैंने फर्स्ट मटेरियल का 1A करके सेव किया और इसको करता हूँ एज ए JPG फॉर्मेट एंड सेव एंड ओके। अब आप देखोगे जो आपका यहाँ पे है, इसी टेक्सचर का एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट यहाँ पे बन चुका है। अब आपको रेविट पे जाना है, मटेरियल पे जाना है, इस पे क्लिक करना है, अपीयरेंस पे जाना है। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बम्प है, बम्प को कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या बम्प लगाना है, तो इसी का ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला टेक्सचर में लगाऊंगा, ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद इस इमेज पे मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, क्योंकि मेरे को साइज वही रखना है जो मैंने इसका रखा है। तो मैंने 6 फीट इसका साइज रखा हुआ, क्योंकि उसका भी 6 फीट था। और यहां पे आप देख पा रहे हो अपने टेक्सचर को कि जो मिडल में लाइंस है व्हाइट कलर में है, बट व्हाइट कलर वाला ऊपर की तरफ आपका आता है, उभर के सामने आता है, बट जो इसके बीच का है वो मुझे ऊपर की तरफ नहीं, मेरे को उसको ग्रूव चाहिए। तो मैं इस इमेज को इन्वर्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो व्हाइट कलर की ब्रिक्स है वो तो ऊपर की तरफ उभरी हुई नजर आएंगी और जो मिडल का मेरा मोर्टार लगा है वो अंदर की तरफ नजर आएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। ब्लैक कलर ग्रूव्स दिखाएंगी, व्हाइट कलर ऊपर उठा हुआ दिखाएगा। डन क्लिक किया एंड यहां से मैं डाल सकता हूं अमाउंट कि मेरे को कितनी अमाउंट चाहिए। चलो अभी इतनी रखते हैं, ओके। तो अब आप अपने टेक्सचर को यहां पे देखेंगे तो ये टेक्सचर आपको हल्का सा 3D में दिखेगा। डिफरेंस देखने के लिए मैं मटेरियल पे जाता हूं यहां पे, और अब मैं इस मटेरियल के बम्प को अनचेक करता हूं और अप्लाई करता हूं। तो यहां पे आप इफेक्ट देख सकते हैं। अगर मैं बम्प को यहां पे लगाऊं और इसके अमाउंट को इंक्रीज करूं, मान लो यहीं पे देखना चाहता हूं, तो इसको मैं सीन पे क्लिक करके इसको एज ए वॉल कर सकता हूं, इसको मैं बड़ा कर सकता हूं यहां पे। अगर मैं बम्प की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं यहां पे, तो आप यहीं पे इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि अभी ये जो आपका मटेरियल है वो थोड़ा 3D में दिखना स्टार्ट हुआ। अप्लाई करोगे तो यहां पे भी आप इफेक्ट देख सकते हो। अगर आप यहां से बम्प को डिसेबल करोगे,
अगर आप यहाँ पे बम्प को डिसेबल करते हो तो और अप्लाई करते हो तो यहाँ पे फ्लैट मटेरियल है, अप्लाई करोगे और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे देखो आपका 3D का मटेरियल यहाँ पे नजर आएगा। तो इसी चीज को बम्प कहते हैं। तो हर एक मटेरियल में जहां पे मुझे थोड़ा सा उभार नजर देखना है, उभार देखना है, वहां पे आप अपना बम्प के मटेरियल का यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये होता है बम्प। दूसरा मटेरियल हम क्रिएट करते हैं, न्यू मटेरियल, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, सेकंड, सेकंड पे क्लिक किया, यूज रेंडर अपीयरेंस ताकि शेडेड में भी वो कलर नजर आए, अपीयरेंस पे जाओ, इमेज पे क्लिक करो, दूसरी इमेज हमने सेलेक्ट करी, ओपन करी, इस इमेज पे क्लिक किया, इसके साइज को हम इंक्रीज करते हैं, अराउंड मैं लेता हूँ इसको 8 फिट के अराउंड, 8 फिट बाई 8 फिट, डन किया, इसको मैंने एज ए वॉल कर दिया यहाँ पे। ओके, ये एज ए वॉल में नजर आएगा। अब इसका भी बम्प चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले मटेरियल को सिलेक्ट करता हूँ, ले जाता हूँ फोटोशॉप में। ब्लैक एंड व्हाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करोगे तो वो कलर को पिक नहीं कर पाएगा, वो डार्क और ब्राइट की शेड को ही पिक करता है। तो बेटर हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट ही कर लेते हैं ताकि डार्क और ब्लैक की शेड वो क्लियरली उस चीज को ग्रैब कर पाए। कॉन्ट्रास्ट में कम करता हूँ, ब्राइटनेस में करता हूँ ऐसे। तो अब आप देख रहे हो व्हाइट और ब्लैक का बिल्कुल क्लियरली शेड नजर आ रही है। इसको आप कर दो सेव एज और इसको कर दो एज ए जेपीजी और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2A के नाम से एंड सेव। ओके, अगर ऑटो कैड है, रेविट है, 3ds मैक्स है, स्केचअप है, सबका यही है कि आप बम्प को जो यूज करोगे वो ब्लैक एंड व्हाइट शेड के साथ यूज करोगे। ओपन करो इसे, ओपन करने के बाद आप इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब आप मॉडिफाई पे जाके यहाँ पे पेंट पे क्लिक करते हैं, सेकंड मटेरियल चूज किया, इस पे क्लिक किया, अब आप देखते हो यहाँ पे ये वाला इफेक्ट आएगा। अगर मैं यहाँ पे बम्प ना लगाऊं, इस पे भी आप इफेक्ट देख सकते हैं, इसलिए मटेरियल यहाँ पे अगर मैं सेकंड के बम्प को ऑफ कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो वो फ्लैट मटेरियल यहाँ पे आए। मान लो बम्प लगाया और इसको मैंने बम्प को इंक्रीज किया, अप्लाई, तो अब आप यहाँ पे बम्प का इफेक्ट देख सकते हो। अगर मैं इसको कम करूं, ये देखो बम्प का इफेक्ट यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है। अगर मैं ऑफ करूं, अप्लाई करूं तो फ्लैट मटेरियल है, बम्प लगा के करूंगा तो वो 3D में नजर आएगा। वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितने हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी टाइल्स यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे टेक्सचर का यूज करना है जो रिपीट होने के बाद भी सेम वे में आपको यहाँ पे शो हो, वरना हम इसके साइज को यहाँ से मटेरियल पे जाके और साइज पे जाके मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, 10 फिट के अराउंड कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना पार्ट कट जाएगा आपका। इसको करने के लिए हम इसको और इंक्रीज कर देते हैं, 15 फिट कर देते हैं, आपका साइज और यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे भी जाके आप इसका भी साइज, आपको ओहो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका 15 किया, तो मान लो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, 10 फिट ये वाली चीज में प्रॉब्लम थी और इसको भी मैं 10 फिट करता हूँ। बम्प का और इसका मटेरियल आपका मेन टेक्सचर का आपका मटेरियल एक ही होना चाहिए। अब अगर आप ओके करोगे तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे बम्प को ऑफ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो फ्लैट मटेरियल है, ऑन करता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो आपका 3D का मटेरियल है। अमाउंट आप कितने भी यहाँ पे रख सकते हो ताकि आपको यहाँ पे एक 3D इफेक्ट नजर आए अपने टेक्सचर में। ये चीज डिपेंड करती है आपके टेक्सचर की क्वालिटी पे भी। क्लियर है? अब मान लो मैं टेक्सचर यूज नहीं करना चाहता, मैं तो सिंपल एक कलर यूज करना चाहता हूं और उसका जो 3D इफेक्ट है मैं कुछ इस तरीके का देना चाहता हूं, कोई ये वाला पैटर्न देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं रेविट पे दोबारा से जाता हूं, एक मटेरियल और क्रिएट करता हूं, क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके रीनेम करता हूं, थर्ड मटेरियल लिया, थर्ड मटेरियल पे क्लिक किया, यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, इमेज मैं चाहता ही नहीं, इमेज में तो मैं ये इमेज नहीं चाहता, मैं सिंपली कलर चाहता हूँ, और मैंने यहां से कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर लिया कि मेरे को कलर चाहिए कुछ ये वाला। कोई भी कलर आप यहां से चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए। नॉर्मल कलर चूज कर लिया आपने, ओके करोगे और यहाँ पे पेंट पे जाके पेंट करोगे या फिर जो भी मटेरियल आप अप्लाई करोगे, इस पे क्लिक किया तो नॉर्मल आ जाएगा। बट इसके पीछे जो मेरे को टेक्सचर चाहिए वो वाला चाहिए, तो उसके लिए मैं दोबारा से मटेरियल पे जाता हूं और अपीयरेंस पे जाके यहां पे डालने की बजाय मैं बम्प पे क्लिक करता हूं,
और ये वाला टेक्सचर चूज कर लेता हूँ एंड ओपन। ये मैंने टेक्सचर लिया, यहाँ पे मैं वॉल्व करके आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वो वाला टेक्सचर आ गया, बट साइज काफी छोटा है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और साइज को मैं 10 फिट बाय 10 फिट का करता हूँ, साइज काफी बड़ा हो जाएगा। अब आप इस दीवार पे ये वाला टेक्सचर देख रहे हो, अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इस दीवार पे भी आप इस वाले टेक्सचर को देख रहे हो। मतलब अब यहां से आपको मे बी क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में बंप है क्या। बंप है कि नीचे का पार्ट कितना उभरा हुआ और अंदर की तरफ ग्रूव्स नजर आए, वो डिपेंड करते हैं आपके टेक्सचर पे। अगर मैं यही वॉल एक और क्रिएट करता हूं, अगर मैं इस टाइप की ही एक और वॉल क्रिएट करता हूं यहां पे, मान लो मैंने एक और वॉल क्रिएट करी और मान लो मैं ये वाले की बात करता हूं, एक और मैंने मटेरियल बनाया, क्रिएट मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम फॉर, ये मैंने क्लिक किया, यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस पे क्लिक किया, कलर मैंने ले लिया मान लो रेड और मैं वो वाली टाइल्स चाहता हूं, ओके। और रेड लेने के बाद मैं नीचे आया और बंप में मैंने ऑन किया बंप को और इमेज ले ली मैंने ये वाली, ओके। और इस पे गया और इसको कर दिया मैंने इन्वर्ट ताकि ग्रूव्स नजर आए और इसका साइज कर दिया 5 फिट बाई 5 फिट का, ओके। अगर आप यहीं पे आप देखना चाहें तो यहीं पे आप इफेक्ट देख सकते हो इसका। अगर मैं यहां पे वॉल करूं, सिलेक्ट सीन वॉल, ओके, मॉडिफाई, पेंट फोर्थ, ये देखो अगर जूम करके देखोगे तो ये लाइट टेक्सचर आपका आ गया, ज्यादा डार्क था। दोबारा से मैं इसको चेंज करता हूं, मैनेज मटेरियल, इसका कलर मैं यहां से चेंज करता हूं, ये मैंने कलर को क्लिक किया और मैं कोई भी नॉर्मल कलर यहां पे लेता हूं, ये वाला कलर लिया और बम्प पे जाके और मैंने बम्प वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अब अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको टेक्सचर, तो ये आपकी वॉल आ गई। मतलब जो आपका पैटर्न आ गया वो तो आ गया ये वाला टेक्सचर का, बट कलर जो मैंने डाला वो आ गया। इसके ऊपर सेम इमेज डाल देते सेम साइज में तो ये वाली चीजें उभर के सामने आ जाती। तो ये होता है बंप किसी भी सॉफ्टवेयर में, आपका ऑटो कैड हुआ, 3ds Max हुआ, रेविट आर्किटेक्चर हुआ या स्केचअप हुआ, इसी तरीके से बंप यूज होता है। यही आपका एक्चुअल में बंप होता है जो आप यूज करते हैं, क्लियर है। तो आशा करता हूं बंप एक्चुअल में आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में बंप होता क्या है, यूज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम बंप कहलाती है, ओके दोस्तों। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आप मेरे चैनल पे जाएं, और भी वीडियोस रिलेटेड आप देख सकते हैं, आप पूरा स्क्रॉल करें, रेविट, ऑटोकैड, 3ds Max, स्केचअप, ल्यूमिन, हर एक चीज से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेगी। जो भी फील्ड आपको चाहिए आप वहां पे देख सकते हैं, अगर नहीं मिले तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आप मेरा ज्वाइन बटन प्रेस कर सकते हैं। एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाते हो, यहाँ पे अगर आप YouTube चैनल पे जाते हो मेरे, जो मेरा चैनल है यहाँ पे, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, YouTube चैनल पे जाके अगर आप ज्वाइन करते हो, यहाँ से ज्वाइन करने पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप कोई भी आप मेंबरशिप लेते हो, स्पोर्ट मी, सिल्वर मेंबरशिप या गोल्ड मेंबरशिप, तो आपके कमेंट के सामने ये वाला साइन आ जाएगा और सबसे पहले उन्हीं के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं बट मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता, बट जो ज्वाइन करता है उसके कमेंट का रिप्लाई सबसे पहले किया जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नॉर्मल सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो थैंक यू सो मच।